हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ होम शेफ डीपी। हमारी चैनल डीपीज किचन वेज एंड वीगन में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स स्प्राउट करी, बेल भाल का सालन, मिक्स कठोर नुशा या जैसे मराठी में कहते हैं कड़धान्याची उसल। तो चलिए बनाते हैं। मिक्स स्प्राउट करी या तो भेल भाल का सालन या कठोर नू शाक या तो कड़धान्याची उसल बनाने के लिए हमने 2 कप मिक्स स्प्राउट को पूरी रात भिगो के प्रेशर कुकर में हल्दी और नमक डाल के 2 विसल से पका लिया है। उसी के साथ हमने रफली कट ऑनियन लिया है और रफली कट टोमेटो लिया है, जिसकी हम पेस्ट बना लेंगे, और 1 नींबू का रस लिया है। उसके मसाले में हमने धनिया जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, अदरक मिर्ची की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट, गोड़ा मसाला, गरम मसाला, गुड़ का पाउडर, करी पत्ता, धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ टोमेटो, बारीक कटा हुआ प्याज, राई और जीरू लिया है। हमने पैन में तेल गरम कर लिया है, 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब हम उसमें राई डालेंगे और उसमें तड़कने तक भूनेंगे। अब हम उसमें जीरा डाल देंगे और उसे भून लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखनी है, मसाला जलना नहीं चाहिए, ये हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहता है हमेशा। जीरा भुन गया है, अब हम उसमें ऑनियन, टोमेटो, अदरक मिर्ची, लहसुन और हमने उसमें 1 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट भी डाल के पीस लिया है, हम आपको बताना भूल गए थे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे और वो मसाला जितना भी चिपका होगा मिक्सी में वो ले लेंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तेल के साथ में ये अच्छे से मिल जाना चाहिए। इसमें हम सारे मसाले भी डाल देंगे और उसे भी मिला लेंगे। जब हम तड़के में मसाला डालते हैं तो उसका स्वाद भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। तेल के साथ पूरा मसाला मिल गया है, अब हम इसे ढक के 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमेशा स्लो ही रखनी है। इसमें करी पत्ता भी डाल देंगे और मिला लेंगे। जनरली सभी लोग तड़के के अंदर करी पत्ता डालते हैं तो वो जल जाता है, तो उसका थोड़ा कड़वापन आ जाता है, इसलिए मैं हमेशा तड़के में करी पत्ता नहीं डालता हूं ताकि उसका स्वाद अच्छे से आए पूरी ग्रेवी में। चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी उबल रही है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल के मिला के फिर से ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे।
गुड़ डाल देंगे, गुड़ा मसाला, गरम मसाला, नींबू का रस, और धनिया पत्ता। ये सभी को अच्छे से मिला लेंगे और फिर से ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखनी है, बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, तभी अच्छे से मसाले पकेंगे और स्वाद बेहतरीन होगा। इस सब्जी का हर जगह पे अलग अलग नाम रहता है। इंग्लिश में हम कहते हैं मिक्स स्प्राउट करी, फिर लोग कहते हैं भेलभाल का सालन, गुजराती में मिक्स कठोरनू शाक, मराठी में कड़धान्याची उसळ, लेकिन है तो सभी एक ही। बस हर प्रांत के हिसाब से थोड़े थोड़े मसालों में फर्क रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। इसे ढक देंगे और पकने देंगे 2 मिनट। स्लो फ्लेम पे ही करना है। चेक कर लेते हैं, हमारा मसाला पक गया है, हमारी ग्रेवी रेडी है, तेल भी छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें हमारे मिक्स स्प्राउट डाल देंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। वैसे इतनी गाढ़ी ग्रेवी ठीक है पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खाने के लिए। अगर चावल के साथ खाना है तो इसे और थोड़ा पतला करना चाहिए। वैसे मैं इसे पकाने के लिए 1 कप पानी डालूंगा और वो भी उसको जला देगा। 5 मिनट हमें इसे पकाना है बंद करके, ऊपर लीड लगा के, तो वो पानी पूरा सूख हो जाएगा। पानी को मिला देंगे अच्छे से। ताकि हमारे जो स्प्राउट्स है, मिक्स स्प्राउट है, वो सब एक साथ मिल जाए, मसाले के साथ में, ग्रेवी के साथ में, और ग्रेवी का जो मसाला है और जो उसका स्वाद है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अब इसे ढक कर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो गए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या कलर है, क्या टेक्सचर है, क्या ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है, बहुत बढ़िया हो गया। हमारी मिक्स स्प्राउट करी, भेलभाल का सालन, मिक्स कठोरनू शाक, कड़धान्याची उसळ तैयार है। अब हम इसे गैस बंद करके सर्व कर देते हैं। ढक के 2 मिनट रखेंगे और सर्व कर देंगे। हमारी गर्मा गर्म मिक्स स्प्राउट करी, मिक्स कठोरनू शाक, भेलभाल का सालन, या तो कहिए कि कड़धान्याची उसळ रेडी है। हमने सर्व कर दिया है। अब हम उसे गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए प्याज से। बारीक कटे हुए टोमेटो से, और बारीक कटे हुए धनिया पत्ते से। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी है, स्पाइसी है, टेंजी है, खट्टी मीठी तीखी मिक्स स्प्राउट करी रेडी है। आप ज़रूर बनाइएगा। आप नान, पराठा, पूरी, रोटी,
और चावल के साथ में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। मिक्स स्प्राउट करी बनाने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। हमारे घर में जो भी पल्सिस है उसे हम ओवरनाइट भिगा के दूसरे दिन पका के उसमें मसाले डाल के बना सकते हैं। मसाले भी अपनी तरह से हम उसमें ऑल्टर कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल्ड ऐसी रेसिपी नहीं है कि इसमें यही मसाले जाने चाहिए, ये नहीं जाने चाहिए। हम अपने हिसाब से जितना तीखा चाहिए, जितना मीठा चाहिए, जितना खट्टा चाहिए हम बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिक्स स्प्राउट करी, भेलभाल का सालन, मिक्स कठोरनू शाक, कड़धानिया की उसल, इनका इंग्रेडिएंट्स और डिटेल में प्रोसीजर दिया है। उसी के साथ में हमारा प्लेलिस्ट दाल कड़ी और सब्जी की लिंक भी दी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अपने वैल्यूएबल सजेशंस और ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। हमारे एपिसोड संडे और थर्सडे को दोपहर को 2 बजे अपलोड होते हैं। हमारे फेस्टिवल स्पेशल के एपिसोड सुबह 10 बजे अपलोड होते हैं और अब से हर महीने के आखिरी संडे को दोपहर को 2 बजे घरेलू उपचार यानी कि होम रेमेडीज के एपिसोड अपलोड होंगे। ज़रूर देखिएगा, हमें प्रोत्साहन दीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।